रोड शो के दौरान जब आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी की जीत के लिए जब वोटरों से वोट मांगने की अपील करने के लिए भी सड़क अपनी गाड़ी से खड़े होकर अरविंद केजरीवाल जनता को संबोधित कर रहे थे, तो राजधानी दिल्ली में जो इंसिडेंट हुआ उसे लेकर कड़ी निंदा विपक्ष कर रही है सत्ताधारी सरकार के खिलाफ। सत्ताधारी सरकार के खिलाफ निशाना आखिरकार साते हुए एक बार फिर से अपने ऊपर हुए हमले पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने तमाम बयान दिए, लेकिन हंसते हंसते, जी हाँ, सुनकर आप यकीन नहीं कर पाएंगे, लेकिन थप्पड़ खाने के बाद अरविंद केजरीवाल की छूटी है हंसी। बयानबाजी करते हुए बार बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कड़ा सवाल करने वाले, सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत मांगने वाले अरविंद केजरीवाल को सुरेश नाम के युवक ने जवाब तो दिया, जब बीजेपी के खिलाफ बार बार विधायकों से तमाम कड़वे शब्दों को सुनने के बाद उसका गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। लेकिन फिर क्या, आखिरकार प्रेस कॉन्फ्रेंस में अरविंद केजरीवाल ने तमाम बातें की है जिसकी वजह से बीजेपी की चाल जैसे लगने लगी है। ये सारी साजिशें बता रहे हैं अरविंद केजरीवाल अपने ऊपर हुए 9-9 हमले की बात करते हुए। नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज और एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। दर्शकों, आज इस खास प्रोग्राम में हम करेंगे बात अरविंद केजरीवाल के बारे में, जिसे लेकर मनीष सिसोदिया ने, जी हाँ, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने भी ललकारते हुए पीएम मोदी को सवाल करते हुए उन्हें चुप्पी तोड़ने के लिए कह दिया। अरविंद केजरीवाल को एक बार फिर से जब युवक ने निशाना बनाकर उन पर तमाचा चढ़ा तो मनीष ने तुरंत सोशल मीडिया पर ट्वीट किया और तो और बयानबाजी की। फिर क्या, प्रेस कॉन्फ्रेंस पर भी वो चुप नहीं रहे। अरविंद केजरीवाल के समर्थन में उन्होंने आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच जनता से अपील की कि इस बार मोदी सरकार ने, इस बार उनका गुस्सा कैसे सामने आया है, कैसे उन्होंने पलटी है बीजेपी की चाल। आइए हम आपको हमारे शो के इंटरव्यू के जरिए पूरी इंफॉर्मेशन देते हैं। देखिए खास रिपोर्ट कि हमला होगा और हमले के 2-3 घंटे के बाद पुलिस ये बयान देगी और पुलिस ने वही बयान दिया और दिल्ली पुलिस बेचारी कर क्या सकती है, दिल्ली पुलिस की औकात ही क्या है जब इस देश के अंदर इलेक्शन कमीशन की औकात नहीं बची, इस देश के अंदर इनकम टैक्स की CBI की, इस देश के अंदर CAG की औकात नहीं बची, RBI की औकात नहीं बची किसी की, तो दिल्ली पुलिस तो बहुत छोटी चीज है। दिल्ली पुलिस से वो बयान दिलाया गया, दिल्ली पुलिस का बयान क्या कहता है कि वो आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता था, उस इलाके में जाके पूछ लो सारे जानते हैं वो बीजेपी के परिवार था। दिल्ली पुलिस का बयान क्या कहता है कि वो आम आदमी पार्टी के लीडर्स ने आर्मी के खिलाफ जो बातें की उससे नाराज था, आर्मी की इंसल्ट की उससे नाराज था। मैं कहना चाहता हूँ हमने तो आज तक कोई इंसल्ट नहीं की आर्मी की, हम तो आर्मी की बहुत इज्जत करते हैं, लेकिन जो इंसल्ट मोदी जी ने की है आज तक भारत के किसी प्रधानमंत्री ने हमारी आर्मी की ऐसी इंसल्ट कभी नहीं की। अभी 4 दिन पहले मोदी जी ने कहा कि बस जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई पिछले 4 साल में ही हुई, उसके पहले 70 साल में आर्मी ने कुछ किया ही नहीं, सारे वीडियो गेम थे। अभी मैंने लेफ्टिनेंट जनरल हुडा, जो हमारे देश के इतने सीनियर आर्मी ऑफिसर हैं, उनका बयान देखा, उन्होंने कहा कि ऐसे सर्जिकल स्ट्राइक्स पहले होते रहे हैं। मोदी जी कह रहे हैं वो सारे सर्जिकल स्ट्राइक्स वीडियो गेम थे। 1971 की जो भारत पाक युद्ध था वो वीडियो गेम था, 1965 की चाइना के साथ लड़ाई थी वो वीडियो गेम थी। मोदी जी ने आर्मी के 70 साल के शौर्य का मजाक उड़ाया है, मोदी जी ने आर्मी के 70 साल के शौर्य का अपमान किया है। ऐसा अपमान भारत के किसी प्रधानमंत्री ने जरूरत नहीं की आज तक हमारे सेना का अपमान करने की। 2 साल पहले जब ISI का और ISI ने पठानकोट के ऊपर हमला किया था, एयरफोर्स का स्टेशन उड़ा दिया था, मोदी जी ने पाकिस्तान को बुला के एयरफोर्स के सिर पे बिठा दिया, एयरफोर्स की जांच मोदी जी ने ISI से करवाई, पाकिस्तान से कराई। ऐसा अपमान आज तक भारत देश का, भारत की सेना का किसी प्रधानमंत्री ने नहीं किया है। उस टाइम मोदी जी को बनता था एयरफोर्स को एक इशारा करते एयरफोर्स पाकिस्तान को नक्शे से मिटा देता, वो करने के बजाय मोदी जी ने पाकिस्तान की ISI को और पाकिस्तान को बुला के बोला मेरी सेना को, मेरे एयरफोर्स की आप जांच कीजिए। अगर वो शख्स वाकई इस वजह से उसने हमला किया है
तो उस हमले को मेरे ऊपर नहीं करना चाहिए था, हमला कहीं और होना चाहिए था। हम हमलों के पक्षधरनी हैं, हम इसके सख्त खिलाफ हैं, लेकिन आज जिस कदर मोदी जी सेना का अपमान कर रहे हैं, आज तक किसी ने इस तरह से अपमान नहीं किया। मैं देश की जनता को केवल ये अपील करना चाहता हूँ, केजरीवाल कट्टर देशभक्त है, हमारा एक एक सांस इस देश के लिए जीते हैं, हमारे देश का एक एक खून का, हमारे शरीर का एक एक खून का कतरा इस देश के लिए समर्पित है, और इस देश ने मुझे बहुत कुछ दिया है। मैं आज इंजीनियर हूँ, मेरे को याद है मेरे टाइम में 30 रुपये ट्यूशन फीस हुआ करती थी, 30 रुपये में इंजीनियरिंग नहीं की जाती, वो इस देश के पैसे से पढ़ाऊँ, मैं इस देश के पैसे से इंजीनियर बना, इस देश के पैसे से इनकम टैक्स कमिश्नर बना, और आज इस देश ने मुझे इतनी बड़ी कुर्सी पे, इतनी बड़ी जिम्मेदारी, इतना बड़ा सम्मान दे दिया। इस देश का कर्ज मैं 7 जन्म में नहीं चुका सकता, मेरी अगर जान इस देश के लिए चली जाए तो मैं खुशी खुशी अपनी जान दे दूंगा, लेकिन जब तक जिंदा हूँ तब तक दिल्ली का शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, भ्रष्टाचार के खिलाफ काम चलता रहेगा। एक दो चीजें और हम बताना चाहते हैं। जैसा कि मुख्यमंत्री जी ने बताया कि एक तय स्क्रिप्ट थी कि किस तरीके से हमला होगा और दिल्ली पुलिस इसके ऊपर क्या बयान जारी करेगी, कल हमने उस स्क्रिप्ट को साक्षात देखा। दिल्ली पुलिस ने बयान जारी करके कहा कि वो हमलावर आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता है, ये सरासर झूठ है, बिल्कुल झूठ है। आप खुद अपनी इंक्वायरी कर लीजिए, हमने सारी रात उसकी इन्वेस्टिगेशन कराई, उसका आम आदमी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, वो कट्टर भाजपा समर्थक है। दूसरा कहा कि वो आम आदमी पार्टी की रैलियां कराता था। मैं दिल्ली पुलिस के कमिश्नर साहब से पूछना चाहता हूं, उन्होंने, उस हमलावर ने आम आदमी पार्टी की कौन सी रैली और कौन सी मीटिंग कराई, वो हमें बताए। दिल्ली पुलिस का तीसरा झूठ, उन्होंने कहा कि जब भी इस तरीके का रोड शो होता है, आम आदमी पार्टी एक रिसेप्शन कमेटी का नाम देती है कि ये वो आम आदमी पार्टी के लोग हैं जो मुख्यमंत्री की रिसेप्शन यानी कि स्वागत समिति में है और ये मुख्यमंत्री के आसपास रहेंगे, और कहा गया इस आदमी का नाम उस रिसेप्शन कमेटी में है। ये भी दिल्ली पुलिस का झूठ है। मैं चैलेंज करता हूं केंद्र सरकार को और कमिश्नर साहब को, वो रिसेप्शन कमेटी के नाम वो जारी करें, ये जारी करें कि किसने रिसेप्शन कमेटी का नाम दिया था, बाकी कौन कौन रिसेप्शन कमेटी में है, हमने तो कभी नाम नहीं दिए, या इससे पहले रिसेप्शन कमेटी में कौन कौन से नाम होते थे, वो दे, ये भी एक बहुत बड़ा झूठ है। कोई रिसेप्शन कमेटी का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, हमारे साथ सारे लोग बैठे हुए। एक बात और मैं आप लोगों को याद दिलाना चाहता हूं, जब अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर उनके अपने सेक्रेटेरिएट में, उनके अपने दफ्तर के बाहर मिर्ची से हमला किया गया था, तो यही दिल्ली पुलिस थी, यही मनोज तिवारी थे, यही विजेंद्र गुप्ता थे जिन्होंने कहा था वो आदमी बाजार से मिर्ची खरीद के अपने घर ले जा रहा था, रास्ते में वो मुख्यमंत्री के यहां चला गया, उसकी जेब से मिर्ची गिर गई, ये बयान सबने चलाया था टीवी के अंदर। बाद में दिल्ली सरकार ने सीसीटीवी फुटेज सबको दी और दिल्ली पुलिस ने माना कि हाँ मिर्ची से हमला हुआ था, उसके बाद बयान से पलट गए, उन्होंने कहा कि हाँ हमला तो हुआ था मगर ये लोग जो है, ये आदमी जो है आम आदमी पार्टी का ही था। बाद में हमने इन्वेस्टिगेशन की, ये काम दिल्ली पुलिस का था, हमने इन्वेस्टिगेशन करके दिखाया उसका फेसबुक प्रोफाइल, जिसके अंदर साफ था कि वो मोदी जी का भक्त था, भाजपा का समर्थक था, और उसके बाद इस खबर को दबा दिया गया। दोस्तों, इन्वेस्टिगेशन के अंदर, खास करके कानून के अंदर, कोर्ट्स के अंदर भी, किसी भी इन्वेस्टिगेशन के अंदर हमले के बाद पोस्ट इंसिडेंट कंडक्ट ऑफ द एक्यूज्ड बहुत जरूरी होता है, और इस हमले के बाद जो दिल्ली पुलिस का और केंद्र सरकार का कंडक्ट सामने आया है, जिस तरीके से उन्होंने इस चीज को आम आदमी पार्टी के खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश की है, इस अटैक को जस्टिफाई करने की कोशिश की है, मैं आज तक पे था। दिल्ली की पुलिस के बारे में जब चर्चा हुई, भाजपा के ऑफिशियल प्रवक्ता इस चीज को जस्टिफाई करने लगे, कहने लगे नहीं, आपने बहुत सारे वादे किए थे, वो वादे आपने पूरे नहीं किए, इसलिए जनता आपके ऊपर अटैक कर रही है। मतलब आप इसका जस्टिफिकेशन बना रहे हैं
कि अगर कल को मुख्यमंत्री के ऊपर जानलेवा हमला भी हो जाए तो दिल्ली पुलिस और केंद्र सरकार ये कह दे कि जनता इनसे नाराज थी, इसीलिए किसी नाराज ने इनकी हत्या कर दी। ये बहुत गंभीर मामला है दोस्तों। आज ये मुख्यमंत्री के ऊपर हमला हुआ है, आप पत्रकार हैं, कल को आपके ऊपर भी हमला हो सकता है और कहने वाले कह देंगे आपकी एक रिपोर्ट से कुछ लोग नाराज थे, जनता आपकी एक रिपोर्ट से नाराज थे इसीलिए उन्होंने आपके ऊपर हमला कर दिया और किसी की हत्या कर दी। आज हमारी बारी है, कल आपकी बारी भी आ सकती है, ये देश हम सबका है, आप इस चीज को ध्यान में रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी जिम्मेदारी भारतीय संविधान के हिसाब से दिल्ली के मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है, केंद्र सरकार को अपनी संवैधानिक ड्यूटी पूरी करनी पड़ेगी, जरूर करेंगे। ये तो कॉग्निजेबल ऑफेंस है, देखिए जो कॉग्निजेबल ऑफेंस है दे आर ड्यूटी बाउंड टू रजिस्टर एन FIR। मेरी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी किसकी है? उसके पहले जितने हमले हुए उन सारे हमलावरों का अब क्या, आज क्या स्टेटस है? सारे छूट गए हैं, उनको छोड़ना है। देखिए ये इशू पॉलिटिकल है, ये इशू टेक्निकल नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जैसे अभी सौरभ ने कहा एक स्क्रिप्ट लिख रही है और उस स्क्रिप्ट के तहत ये लिखा जा रहा है कि ये आम आदमी पार्टी से नाराज था, ये आदमी इनके वादों से नाराज था इसलिए, और एक दिन ये हमारी जान लेके करेंगे, कोई नाराज था इसलिए जान ले ली। मैं ये पूछना चाहता हूं कि भारत के कौन से हिस्से के अंदर अब मुख्यमंत्री के ऊपर जरा सा भी हमला हो जाए क्या पुलिस कमिश्नर की नौकरी बचेगी वहां पे? क्या मेरे को कंप्लेंट है? आम आदमी पार्टी की कंप्लेंट के ऊपर मुख्यमंत्री के सुरक्षा में कार्रवाई होगी? ये सुना है पूरी दुनिया के अंदर कि मुख्यमंत्री पे हमला हो गया और केंद्र सरकार कह रही है कंप्लेंट नहीं मिली इसीलिए कोई कार्रवाई नहीं कर पा रहे। इसके ऊपर तो प्रधानमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। यही तो इसीलिए तो इसको कह रहे हैं कि ये भारतीय जनता, ये देखिए दिल्ली पुलिस की स्क्रिप्ट नहीं है, ये पुलिस जो भी बोल रही है वो भारतीय जनता पार्टी स्क्रिप्ट लिख रही है। मुख्यमंत्री की सुरक्षा की जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस की है, दिल्ली पुलिस के घेरे में घुस के दिल्ली पुलिस के बनाए सिस्टम को तोड़ के अगर कोई आदमी तोड़ता है तो अब FIR आम आदमी पार्टी कराएगी। सड़क पर कहीं कोई मर्डर हो गया तो पहले मर्डर की FIR कब की जाएगी? जब परिवार वाले लोग आके कंप्लेंट करेंगे। पुलिस को नहीं दिख रहा है कि मर्डर हो गया, पुलिस को नहीं दिख रहा कि दिल्ली के संवैधानिक पद पर बैठे हुए आदमी के ऊपर हमला हुआ है, पुलिस को नहीं दिख रहा है कि FIR कर लेनी चाहिए और उस आदमी के खिलाफ वो धारा लगानी चाहिए जो मुख्यमंत्री पर हमलावर पर लगनी चाहिए। और मैं फिर से ये कह रहा हूँ ये हमला केजरीवाल के ऊपर नहीं है। आज अगर मैं मुख्यमंत्री नहीं होता ये हमला मुझ पर नहीं होता, ये हमला दिल्ली की जनता के ऊपर है, ये हमला दिल्ली की जनता के मैंडेट के ऊपर है और दिल्ली की जनता देख रही है। दिल्ली की जनता का अपमान हुआ है और बार बार अपमान कर रही है भारतीय जनता पार्टी और दिल्ली की जनता इसका बदला लेगी। इस हमले के लिए कमिश्नर जिम्मेदार नहीं है, पुलिस जिम्मेदार नहीं है, इस हमले के लिए भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जिम्मेदार है। बहुत बहुत शुक्रिया।